द्रविड़ राजनीति के मजबूत स्तंभ डीएम के अध्यक्ष और 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मौत के बाद तमिलनाडु में उनके लाखों समर्थकों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया है। आइए जानते हैं इस दिग्गज राजनीतिज्ञ के बारे में जो 6 दशक तक दक्षिण भारत की राजनीति पर छाया रहा। दक्षिण भारत के राजनीतिक आकाश पर 6 दशक अपना सिक्का चलाने वाले राजनेता और डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कझगम के लाखों समर्थक और कार्यकर्ता अपने प्रिय नेता के गुजर जाने से शोक में डूब गए हैं, जो उनके लिए देवतुल्य थे। एम करुणानिधि जब 14 साल के थे तब 8वीं की पढ़ाई छोड़कर तमिलनाडु की राजनीति में उतर गए और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी पहचान एक असाधारण संगठनकर्ता की थी, जिसमें तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा जमाने के साथ साथ देश को सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार दिया। करुणानिधि का परिवार राजनीति के साथ साथ सिनेमा, मीडिया और विमानन जैसे उद्योग में सफलता के शिखर पर है और आज अरबों डॉलर का मालिक है। करुणानिधि ने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी पद्मावती से पैदा हुए मुथु ने राजनीति में हाथ आजमाया, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए। उनकी दूसरी पत्नी दयालु अम्माल से पैदा हुए बच्चों एम के अलागिरी और एम के स्टालिन ने राजनीति में बेहतर प्रदर्शन किया। करुणानिधि के अंतिम समय तक उनकी बेटी और सांसद कनीमोझी साथ रहीं, जो उनकी तीसरी पत्नी रजती अम्माल से पैदा हुई थी। करुणानिधि की असाधारण संगठन क्षमता और राजनीति में उनकी सक्रियता को देखते हुए कहा जाता था कि वो 100 साल की उम्र में भी अपने बच्चों को राजनीति के दांवपेच सिखाते हुए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही उनका देहावसान हो गया। करुणानिधि ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक पक्के धर्मनिरपेक्ष की थी। उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता का असर तमिलनाडु की राजनीति पर अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।